मथुरा फायरिंग का लाइव वीडियो आया सामने। अवैध कब्जे वाले इलाके में पुलिस प्रशासन पर बरसाई गई गोलियां। शहीद एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी के घर औरैया में छाया मातम, मां का रो रो कर बुरा हाल। मथुरा हिंसा पर सरकार पर हमला, हुई बीजेपी यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने की सीबीआई जांच की मांग। मथुरा हिंसा पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से की बातचीत, हर संभव मदद का दिया भरोसा। मथुरा में हिंसा से सांसद हेमा मालिनी बेपरवाह, मुंबई के मर्ड आइलैंड में फिल्म की शूटिंग की तस्वीरें ट्विटर पर डाली। खबर दिखाए जाने के बाद मथुरा जाने का किया ऐलान। मथुरा हिंसा के मुख्य आरोपी राम वृक्ष का वीडियो आया सामने। अतिक्रमण अभियान शुरू होने से पहले प्रशासन को दे रहा था धमकी। तलाशी अभियान के दौरान हथियार छोड़कर भागे कई हमलावर, 150 से ज्यादा जिंदा कारतूस मिले। गैस सिलेंडर से भी हुआ हमला। 5000 सत्याग्रहियों का सरगना, राम वृक्ष हिंसा के बाद से फरार। हिंसा में 2 पुलिस अधिकारी शहीद, 22 लोगों की मौत। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की थी कार्रवाई। हिंसा में पुलिस ने 274 लोगों को किया है नामजद। जवाहर बाग फायरिंग में शहीद पुलिस अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर। उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद ने भी दी श्रद्धांजलि। ट्रेनों की लेट लतीफी खत्म करने के लिए मालगाड़ियों के लिए बनाए जा रहे हैं अलग ट्रैक। सरकार का वादा, हर हाल में 2019 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट। बुलेट ट्रेन पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने फ्रांसीसी प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। फ्रांस रेल के अधिकारी और उद्योगपति रहे मौजूद। 6 जून को पार्टी का ऐलान करेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी। अपनी विधानसभा सीट मरवाही पहुंचकर तय करेंगे चुनाव चिन्ह और झंडा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस की बैलगाड़ी रैली, एक बैलगाड़ी में लदे दर्जनों कांग्रेसी, गर्मी में हांफते हुए नजर आए पशु। राजनीतिक संकट से उबरने के बाद भरतपुर के हनुमान मंदिर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत। 125 करोड़ हनुमंत मंत्र के जाप का किया अनुष्ठान। कानपुर में मिला युवक का शव, रस्सी से बंधे थे युवक के हाथ पैर। मेरठ के शाहपीर गेट इलाके में मस्जिद में नमाज पढ़ाने को लेकर 2 गुटों में पथराव, एक पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लड़की से छेड़खानी पर बवाल, 2 गुटों में चली गोलियां, लाठी डंडे, महिला समेत 4 घायल। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ढोंगी तांत्रिक गिरफ्तार, महिला को नशीली बर्फी खिलाकर रेप का आरोप। इलाहाबाद में बेखौफ गुंडों ने एक बुलेट शोरूम में जाकर जमकर तोड़फोड़ की, भागते वक्त गोलियां भी चलाईं, 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में घर में घुसा तेंदुआ, कई घंटों की मेहनत के बाद वन विभाग की टीम ने बेहोश करके पकड़ा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मादा अजगर और 2 दर्जन अंडे मिलने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश के बलिया में सामने आई सेहत के साथ खिलवाड़ की साजिश, कार्बाइड से पकाए जा रहे हैं आम। चंदौली में भी चोरी छिपे कार्बाइड का इस्तेमाल, कार्बाइड एसिटीन नाम की जहरीली गैस। मुगलसराय में भी कार्बाइड से पकाए जा रहे हैं आम, कार्बाइड के इस्तेमाल पर लगा है प्रतिबंध। बाराबंकी के फतेहपुर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा में उठी विरोध की आवाज, रोजगार सेवकों ने की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। वाराणसी में जिलाधिकारी ने लगाया जनता दरबार, जनता की समस्या निपटाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बीएसपी नेता के घर नारकोटिक्स का छापा, 50 लाख की अफीम डोडा बरामद। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अनुज यादव की गोली मारकर हत्या, खेत में मिला अनुज का शव। केदारनाथ यात्रा पटरी पर लौटी, सिर्फ 17 दिनों में लाखों भक्तों की भीड़ पहुंची। आज तक के खुलासे के बाद बिहार के टॉपरों को दोबारा परीक्षा, 14 लोगों में से परीक्षा में हाजिर हुए 12 टॉपर छात्र। कला विषय की टॉपर रूबी राय नहीं आई बोर्ड के सामने, रूबी को दिया जाएगा एक और अवसर। पटना में बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड में परीक्षा केंद्र के बाहर मिली शराब की कई बोतलें, राज्य में शराब पर है प्रतिबंध। बिहार के दरभंगा में जेल में बंद कुख्यात अपराधी चुन्नू ठाकुर के नाम पर मांगी गई 15 लाख रुपए की रंगदारी, चुन्नू का दामाद निकला आरोपी। बिहार के गया में सड़क निर्माण कंपनी की साइट पर नक्सली हमला, रंगदारी न मिलने पर हत्या की दी धमकी। बिहार के खगड़िया में यात्रियों से भरी नाव पलटी, एक बच्चा हुआ लापता। झारखंड के देवघर में 17 जुलाई से श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू, डीजीपी ने कड़े सुरक्षा इंतजामों को लेकर बुलाई बैठक। झारखंड के गढ़वा में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की मुहिम, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान का किया उद्घाटन।
पटना में आरजेडी विधायक भोला यादव की दादागिरी। ट्रेनी एसपी ने बीच सड़क में खड़ी गाड़ी हटाने को लेकर कहा तो उलझ पड़े विधायक। आधी रात को गश्त पर निकले कानपुर देहात एसपी पुष्पांजलि सिंह। लापरवाही में एक चौकी के पूरे स्टाफ को किया सस्पेंड। राजस्थान के अलवर के होटल में गुड़गांव के युवक ने किया आत्महत्या। महिला मित्र के साथ ठहरा था युवक। राजस्थान के झुंझुनू में व्यापारी की दिनदहाड़े हत्या। एक महिला समेत दो युवक गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में किराना स्टोर में चोरों का हल्लाबोल। 1 लाख का सामान और नकदी लेकर हुए फरार। सवाई माधोपुर में राशन सिस्टम में गड़बड़ी। रजिस्टर में फर्जी एंट्री का आरोप। झालावाड़ के चंगेरी गांव में पानी की कमी। 150 फीट की ऊंचाई पर खुद ले जाना पड़ता है पानी। राजस्थान के बीकानेर में गैंग वॉर में भीषण फायरिंग। गोलियां चलाते हुए बीएसएफ एरिया में घुसे बदमाश। हिस्ट्री शीटर विराट यादव हुआ गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में पिता के एटीएम से रुपए निकालने वाला नाबालिग बेटा हिरासत में। एटीएम से निकाल लिए थे 2,35,000 रुपए। राजस्थान के पाली में दो परिवारों का झगड़ा बना हिंसक। तलवार और कुल्हाड़ियों से एक दूसरे पर हमला। राजस्थान के सीकर में शादी के भोज में खाने के बाद बीमार हुए लोग। अस्पताल में लोगों को कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के बिजबिहाड़ा में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकवादी हमला। 3 जवान शहीद 7 जख्मी। जम्मू में महंगाई और बिजली पानी की कमी को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस। मोदी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। श्रीनगर में सैनिक कॉलोनी के खिलाफ बैनर पोस्टर। नकाबपोश लोगों ने किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ में तबाह पुल। 2 साल बाद फिर से हुआ तैयार। 5 जून को खुल जाएगा ये पुल। जम्मू कश्मीर में पंडित और सैनिक कॉलोनियों के खिलाफ प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे जेकेएलएफ के लोग। हिमाचल के कांगड़ा में 9 ट्रैकर्स का रेस्क्यू करने गया हेलीकॉप्टर बैरन लौटा। खराब मौसम के चलते नहीं हुई लैंडिंग। मौके पर सभी ट्रैकर्स हैं सुरक्षित। शिमला के दौरे पर हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन में दिया भाषण। चंडीगढ़ में कैंसिल की गई शिक्षकों की छुट्टियां। अकाली सरकार के लिए डोर टू डोर प्रचार का आदेश। 30 जून तक प्रचार के लिए कहा गया। जाट आरक्षण हिंसा में दुष्यंत सिंह को दोषी बनाए जाने के खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हिसार में डीजीपी प्रकाश सिंह का पुतला फूंका। जालंधर में दिनदहाड़े मनी एक्सचेंजर की गोली मारकर हत्या। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। आज तक के सिंह ऑपरेशन में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटों की बोली का खुलासा। कैमरे में कैद हुए कर्नाटक के 3 विधायक। इलेक्शन कमीशन ने मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के अलीपुर में भीषण सड़क हादसे में 6 कार सवारों की मौत। खड़े ट्रक से टकराने पर हुआ गंभीर हादसा। दिल्ली में ओला कैब ड्राइवर ने 30,000 कोर्ट की महिला जज का सामान गाड़ी से फेंका। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली के जैतपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। थाने के पास रहने वाले दिलीप को घर से बुलाकर मार डाला। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में किडनी रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने छापा मारकर 5 को किया गिरफ्तार। रैकेट में अस्पताल के 2 स्टाफ मेंबर भी शामिल। एचजीडी की रोक हटने के साथ साउथ दिल्ली में चलाए गए 24 नए वाटर टैंकर। जल बोर्ड सदस्य विधायक प्रकाश झारवार ने किया उद्घाटन। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के बाहर नवजात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप। अस्पताल के मेन गेट पर कपड़ों में लिपटी मिली मासूम। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में नाबालिग से पड़ोसी ने किया रेप। पुलिस ने आरोपी चंदन को किया गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली में 11 बच्चों को पुलिस और एनजीओ की टीम ने बचाया। कई दुकानों में बच्चों से जबरन करवाते थे काम। दिल्ली में 12 दिन से लापता है एक छात्र। 12वीं का रिजल्ट देखकर घर से निकला था। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिन में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच जाएगा। बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की पुण्यतिथि। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी श्रद्धांजलि। 93 साल के हुए डीएमके प्रमुख करुणानिधि। पार्टी नेताओं ने दी बधाई। सूरत में सामने आया पुलिस का खौफनाक चेहरा। आरपीएफ में ताना। सब इंस्पेक्टर ने की एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई। वायरल हुआ वीडियो। गुजरात के मोरबी में फैक्ट्री से रिहा कराए गए 11 बाल मजदूर। 100 और बाल मजदूर भी रिहा कराए गए। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट ने की कार्रवाई। गुजरात के वाधोडिया के बाहुबली विधायक मधु श्रीवास्तव ने मनाया जन्मदिन। मैं हूं डॉन फिल्मी गाने पर झूमा विधायक। मथुरा हिंसा के बाद कन्नौज एसपी ने लगाई पुलिस की पाठशाला। आपात स्थिति में सुरक्षा की शिकायत गुर।
हापुड़ के आश्रम रोड पर जलभराव के विरोध में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, अधिशाक्ष अधिकारी संजय मिश्रा के दफ्तर पर हंगामा। फरीदाबाद में खुले मैनहोल में गिरने से महिला की मौत, महिला को बचाने गए शख्स की भी मृत्यु। पलामू में अनूठा काम कर रहे हैं पर्यावरण प्रेमी कौशल किशोर, देश भर में घूम घूम कर बांटते हैं पौधे, अब तक 18 राज्यों में 31 लाख पौधे बांट चुके हैं। गुजरात के पाटन में अपने मेडल बेचने को मजबूर, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी, आर्थिक तंगी से परेशान है काजल। उज्जैन के महितपुर में दो पक्षों के बीच विवाद में पथराव, इलाके में तोड़फोड़ के बाद तनाव, पुलिस ने धारा 144 लगाई। समस्तीपुर में टॉपर्स मामले पर छात्र संघर्ष, मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन, 2012 से अब तक के टॉपर्स की परीक्षा दोबारा कराने की मांग। गुजरात के नड़ियाद के एक गांव के खेतों में मिला मगरमच्छ का बच्चा, गांव वालों ने रस्सियों से बांधकर वन विभाग को सौंपा। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में भीषण सड़क हादसा, 17 लोगों की मौत, 39 लोग घायल। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं वर्षगांठ पर दल खालसा का यादगारी मार्च, ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए लोगों के लिए अरदास किया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मलाका गांव के 40 घर जलकर खाक, सिलेंडर फटने के बाद गांव में लग गई आग। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तांत्रिक ने नाबालिग के साथ किया बलात्कार, झाड़फूंक के नाम पर किया यौन शोषण। राजस्थान के बाड़मेर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पटवारी को किया गिरफ्तार, एक किसान से 6000 रुपये रिश्वत लेते हुए दबोचा। मध्य प्रदेश के सागर में एक खेत में बने गड्ढे से निकली भीषण आग, 20 फीट ऊंची लपटों से मचा हड़कंप। लखीमपुर खीरी में सुबह टहलने के लिए निकले दो रिटायर्ड टीचरों को ट्रक ने रौंदा, दोनों की मौके पर ही मौत। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मजदूरों को ले जा रहा ट्रक पलटा, हादसे में 3 की मौत, कई घायल। कानपुर के बैंक में अजगर निकलने से हड़कंप, बैंक के सुरक्षाकर्मियों ने पकड़कर टंकी में किया बंद। केरल में सुरक्षा गार्ड की गलती से बंदूक से निकली गोली ने महिला कर्मचारी की ली जान, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में चलती बाइक में आग, युवक ने कूदकर बचाई अपनी जान। बिहार के औरंगाबाद में मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प में एक मजदूर घायल, मजदूरों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने चलाई गोलियां। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बच्चा चोरी के आरोप में दंपति गिरफ्तार, पड़ोसी की 1 साल की बेटी चुराने का आरोप। सिलीगुड़ी में सीआरपीएफ ने जब्त की 10 करोड़ रुपए कीमत की चंदन की लकड़ी, 2 को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में बिजली कटौती और पानी की कमी से लोग परेशान, टैंकर वालों से पानी खरीदने को मजबूर हैं लोग। रुड़की के ढंडेरा गांव में युगल ने किया आत्महत्या, प्रेमी ने पहले प्रेमिका का गला काटा फिर खुद अपनी गर्दन काट ली।